जनपद संबल के ग्राम ग्रेट में लगाया गया विद्युत समाधान केंद्र मीडिया के पहुंचते ही मीडिया से बचते हुए दिखे विद्युत विभाग के कर्मचारी। समाधान न होने से ग्रामीणों में है रोष। ग्रामीणों का आरोप है कि 18 घंटों में केवल 8 घंटे ही बिजली आपूर्ति मिल रही है। प्रशासन आखिर क्यों है मौन? विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? आपको बता दें, बिजली विभाग बिल बनाने में मनमानी कर रहा है। बिजली का बिल आंख मूंद कर बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जिस तरह से अपना पैसा वसूलने के लिए बिजली विभाग अभियान चलाया करता है, ठीक उसी तरह बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा बिल को ठीक करने के लिए जगह जगह अभियान चलाए जाएं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जब उपभोक्ता का बिल कई गुना आया है, तो इस समस्या को लेकर उपभोक्ता ने बिजली विभाग से शिकायत भी की है। इस शिकायत को उच्च अधिकारियों को गंभीरता से लेने चाहिए, ताकि पूरे जिले के बिलों को ठीक कराया जाए एवं जनता इधर उधर ना भटके और सही समय पर काम हो जाए। इसके साथ ही गलत बिल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना ना हो। लियाकत अली, कौन सा गांव है? दुराटा। क्या मामला बिजली? बिजली का 2000 रुपये पहले आया था 6,150, फिर अगले महीने 8,300, फिर आया 10,600। तो आपने किसी से बात करी? शिकायत को सुनने वाला है ना, कहीं चले जाओ। आप जय साहब आए थे क्यों? हम आए थे, निकल गए। पहली भाग हम तो खुद ही इसलिए भाग कर रहे हैं, बिल तो पहले एक साल से पहले सही बिल आ रहा था, अब तो बहुत बिल आ रहा है बेसाब। हमको ट्यूबल तो बिजली थोड़ी ट्यूबल चला रहे हैं, कोई ट्यूबल चला रहा है, चक्की का कनेक्शन कराने बाद वही 7 घंटे मिले, 6 घंटे मैंने कितनी दी? 18 घंटे मिल लीजिए। यहाँ पे आधे से पहले से मुख्यमंत्री मुस्तकीम भी। कौन सा गाँव है? धुरेटा। क्या है बिल की समस्या? क्या है? 1,84,000 रुपये का बिल आया है 10 महीने का। हम तो ये समस्या का जानते हैं, हमारा बिल सही आना चाहिए, मीटर सही हो जाना चाहिए, और ये लोगों के कनेक्शन जो केबल काट गए जुड़ गए, जुड़ जाएंगे। आप कितना लोड यूज़ कर रहे हैं? तो 1,84,000 का बिल आ रहा है आपका। वैसे सफ़ेद वाले बल्ब जला रहे हैं दो। तब क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हैं? हमारा बिल सही हो जाना चाहिए। हाँ, जय साहब आए थे क्या? क्यों निकल गए पहले ही? क्यों ना रुके यहाँ पे? ना, हमारे आने से पहले निकल गए, क्या मालूम क्या है। मीडिया को देख के बाहर निकल गए। आज कितनी शिकायतों का समाधान इन्होंने करा? 10-5 का करा होगा। एक का भी समाधान नहीं हुआ उनसे। कितना बिल आया आपका? मेरा आया है 1 महीने का 1,000 रुपये। कितने रुपए? क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। कब से आ रहा है 1,000 रुपये बिल आपका? 1,000 रुपये तो मैंने कई बार ठीक करा लिया है एक्सचेंज साहब को फोन करके। हाँ। फिर ये लोग कभी SDO साहब को बोलते हैं तो भी ठीक नहीं होता। बिल ज्यादा आने की समस्या क्यों है? ये बिल ज्यादा आने की समस्या क्यों आ रहा है? मीटर जंपिंग है। अभी चेक मीटर लगाया था न्यू इन्होंने आके, तो उसमें भी 8 रीडिंग भरी हुई थी। न्यू मीटर में 8 रीडिंग भरी हुई थी, जो न्यू मीटर लगाया था उसमें 8 रीडिंग भरी हुई थी। जंपिंग मार रहा है, पता नहीं क्या भर क्या लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, और सुनता कोई नहीं इस चीज़ को लेकर। एक्सचेंज साहब को भी बता रखा है, SDO साहब को बता रखा है, ऊर्जा मंत्री जी को भी बता रखा है, मैंने लाइव भी दिखाया था फेसबुक पर। क्या नाम है आपको? ब्रजेश कुमार। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, काम करता हूँ, ऐसे कोई नहीं देखता इस चीज़ को। कहाँ से? दुराटे से। क्या समस्या आपकी बिजली? अरे बिल भैया 24 महीने का 50,557 रुपये आया, 97 रुपये आया। बिल बिजली कितनी आती है यहाँ पे? बिजली आती है 10 घंटे आती है बस बिजली। अलाउड कर रखा है मुश्किल से 10 घंटे रखा है, वैसे 18 घंटे दे रखा है, 18 घंटे बत्ती मिलेगी। बच्चों, आप क्या चाहते हैं? बत्ती मिलनी चाहिए, कनेक्शन सही होने चाहिए, बिल 250 या 200 रुपये आना चाहिए। फिक्स रेट चाहते हैं गांव का, हम एक अपना नहीं पूरे गांव का समाधान चाहते हैं। आपका समाधान नहीं हुआ तो क्या करोगे? हमारा समाधान नहीं हुआ तो अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर बैठेंगे हम, अनशन पर बैठेंगे अगर समाधान नहीं हुआ तो। समाधान नहीं हुआ तो 2,000 या 2,500 रुपये महीने का बिल कौन जमा करेगा? क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। क्या नाम है? कितना बिल आया आपका? मेरे पास बिल आया है 14 महीने का, मतलब 50,170। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ मेरा बिल, मैं 2-3 बार चंदोसी भी हुई आया, वहाँ पे भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। जय साहब को भी उन्होंने एप्लीकेशन दी लिख के इसके बारे में, उन्होंने मतलब जो उसमें मीटर में रीडिंग आ रही थी वो ही लिख के वहाँ पे भेज दी। SDO साहब ने वहाँ पे बोला ये मतलब जय साहब ने इसमें कुछ करके नहीं दिया है। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मेरा मतलब बिल सही हो जाए। ना होगा तो क्या करोगे? ना होगा तो फिर क्या करेंगे समाधान इसका? हम तो कनेक्शन कटवाने के चक्कर में है, और फिर अनशन पर बैठेंगे और क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अब जैसे इसमें जो भरेटा गाँव में जो बिल महंगे आ रहे हैं, किसी को 1 लाख आ रहा है, किसी 1,84,000 आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है 14 महीने में, तो क्या कर रहा है? इसमें हम सही करा देंगे बिल, रीडिंग वेरीफाई करके, रीडिंग वेरीफाई करके उनका बिल सही करा दिया जाएगा और उनका बिल कम हो जाएगा। जैसे आप 1,84,000 रुपये में देने पड़ेंगे या नहीं? नहीं, कम हो जाएगा, जितना भी बनेगा उतना जमा करना पड़ेगा।
ये करीब इन्होंने 6 महीने से भागते हुए होगा, अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अभी इनको बिजली घर पर भेज दीजिए, अभी करा देंगे। इतने लोगों का सर ये आरोप, लोगों का नहीं कराएंगे, जिसका आप बता रहे हैं जिसका खराब है उसका ही कराएंगे। सर कुछ इस तरह से आरोप लगा रहे हैं लोग कि जैसे ज़्यादा बिल आया है तो कुछ पैसे देकर के कम कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ किसके द्वारा, ऐसे कैसे कम होता है? जैसे मीटर में जितनी रीडिंग होगी इतने ही तो रीडिंग लेकर के बिल बनाया जाएगा, बिल से ज़्यादा रीडिंग का बिल कौन दे सकता है? ये तो सब सिस्टम ऑनलाइन है, अगर आपका 10 रुपये भी ज़्यादा जमा होगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें कहीं आपको करप्शन नज़र नहीं आता, भ्रष्टाचार वगैरह कि जिस तरह से बिल 1,84,000 है उसको कम कराने के एवज में कुछ पैसे मांगे जा रहे थे, इसके बारे में किसके द्वारा मांगे गए? लाइनमैनों के द्वारा। तो लाइनमैन क्या बिल सही करते हैं? ऐसा देखिए, बिल संशोधन कार्य उपकेंद्र कार्यालय में होता है, और जब आदमी उपकेंद्र कार्यालय में जाएगा वहाँ से जेई के पास रीडिंग वेरीफाई करने के बाद हो रहा है, तार जोड़ने के 500 रुपये लेते हैं, सरकारी लेन देन नहीं है क्या? मेरी बात, जो आदमी आरोप लगा रहा है कि 500 रुपये लेते हैं, जो आदमी 200 रुपये का बिल नहीं दे रहा वो 500 रुपये लाइनमैन जोड़ने के दे देगा? 200 रुपये का बिल पर तो लड़ रहे हैं हम लोग उससे कि 200 रुपये बिल कैसा आ रहा है हमारे घर पर, क्योंकि 500 रुपये लाइन जोड़ने का देगा? ये सर ऊपर से आदेश है 18 घंटे का लाइट है, तो आप कितने घंटे लाइट? हमारे यहाँ 13-14 घंटे लाइट मिल जाती है।